हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव यूट्यूब चैनल सोबी टीवी हिंदी। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में कान्हा जी की थोड़ी सी रूटीन शेयर करूंगी और कान्हा जी को थोड़ा थिंग्स मैं आपको शो करूंगी इस वीडियो में। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देख लेगा और हमारे वीडियो को फुल वॉइस करके चलाइएगा। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए और हमारे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख लें आप। और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हमारे चैनल में पहले से ही उन्हें पता होगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही कान्हा जी थे, जो कि ये वाले थे। ये मेरे फर्स्ट कान्हा जी हैं और उसके बाद मैंने ये वाले कान्हा जी लिए हैं। ये वाले कान्हा जी पीतल के हैं और वो अष्ट धातु के थे, जिनका कलर उतर गया। ये वाले कान्हा जी और वो दोनों कान्हा जी बहुत ही प्यारे हैं, तो मैंने ये वाले कान्हा जी लिए थे। और फ्रेंड्स, अभी शाम के 4:30 बज रहे थे, मैंने अपने दोनों कान्हा जी को दूध का भोग लगाया और मिश्री। आप सभी ऐसे मत सोचिएगा कि मैंने अपने कान्हा जी के खाने में तुलसी पत्र नहीं डाला, ऐसी बात नहीं है। मैंने दोनों कान्हा जी के गले में हैंडमेड तुलसी वाला बनाई थी और मैंने दोनों के गले में यह पहनाई हुई है, जब भी ताकि ये खाना खाएँ तो ये बिना तुलसी पत्र के खा ले, क्योंकि मैंने इनको तुलसी माला पहले से ही पहनाई हुई है। मैं रोज़ सुबह इन्हें पहले ही पहना देती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा रही थी कि मैंने अमेज़ोन से एक शिवलिंग का स्टैंड ऑर्डर किया है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये है मेरा शिवलिंग स्टैंड, जो कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ताकि ये हर टाइम फ्रेशमेंट देता रहे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहे जल। तो आप सभी को मेरा मंदिर पहले भी मैंने कई बार शो किया है, जो कि न्यू है मेरे सब्सक्राइबर्स, तो मैं उनको शो करना चाहूँगी अपना मंदिर। तो ये है मेरा मंदिर, जो पीछे मैंने भोलेनाथ की फ़ोटो लगाई है और यहाँ पे मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी का सिंहासन रखा है, जो कि हर टाइम मंदिर में बैठते हैं। और यहाँ पर है लक्ष्मी माता की चित्रपट, और यहाँ पे शिव परिवार है, पार्वती माता, और यहाँ पे गणेशा जी। लेकिन ये पहले जो आपको पार्वती माता नहीं थे, ये जो ये लक्ष्मी माता ही थे या फिर दुर्गा माँ, लेकिन अपने अपने भाव होते हैं, इसलिए मैंने भाव बनाया है कि ये मेरी पार्वती माता हैं और मैंने शिव परिवार इन्हीं से बनाया है। और पीछे हैं गुग्गा जी, और यहाँ पे हमारे सुखदेव मुनि जी गुफा में विराजमान वाले, और उनके पिताश्री। तो ये तो था मेरा छोटा सा मंदिर, और ऊपर भी मैंने युगल जोड़ी की फ़ोटो लगाई है। तो मैंने अपने मंदिर में थोड़ी ही फ़ोटोज़ लगाई हैं और ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं किए, क्योंकि ये हमारा टेम्प्रेरी होम है और टेम्प्रेरी होम्स में ज़्यादा सामान रखना सही नहीं रहता, इसलिए। और यहाँ पे कुछ को पता है कि यहाँ पे मैंने एक टेबल पर अपने लड्डू गोपाल जी का रूम सेटल किया है। यहाँ पर झूला है और चारपाई और एक बेड है, लेकिन जैसे आप सबको पता है, अभी मेरे दो कान्हा जी हैं, तो एक बेड पे वो आराम से नहीं सो पाते हैं, तो एक को बेड पर एक और चारपाई पे सुलाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको एक मच्छरदानी ले ली है, जिसमें ये दोनों आराम से सो जाते हैं। और साइड में मैंने फ्रेश रुख देने के लिए यहाँ पर मनी प्लांट लगाया है और 2 बटरफ्लाइज, और बाकी सब ये टेबल जो सेटल किए हैं। और मैं बता रही थी आप सभी को कि मैंने अमेज़ोन से शिवलिंग स्टैंड ऑर्डर किया है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, वो तो ऑर्डर किया है, लेकिन एक और ऑर्डर आएगा मेरा, जिसके कान्हा जी के कुछ मटेरियल्स होगा, जिसकी भी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। तो आज मैंने इनकी एक क्राफ्ट की थी, जो कि ये है कैरम बोर्ड। तो मैंने इनका लॉकडाउन में खेलने के लिए कैरम बोर्ड बनाया था, और एक ये बनाया है मैंने, लूडो। तो ये सब देखने में इतने सिंपल है, मतलब कार्डबोर्ड के, तो आप मुझे लगता है आपको इन सब की वीडियो शेयर करना मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये देखने में बहुत सिंपल है, तो आप ये सीख ही गए होगे कैसे बनते हैं। और ये कॉइन्स का पैकेट है, जिसके अंदर लूडो के कॉइन्स हैं और ये कैरम के कॉइन्स हैं। ये क्वाइंस भी मैंने
कार्डबोर्ड से ही बनाया, कलरफुल क्वाइंस हैं, कुछ लूडो के और कुछ कैरम के हैं। और ये है फ्रेंड्स बड़ा वाला क्वाइन, जिससे कैरम बोर्ड में गिट्टियाँ अंदर डालने के लिए यूज़ होती हैं। और ये है फ्रेंड्स कान्हा जी की लिपस्टिक, जो कि मैं दोनों कान्हा जी को मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। और ये मैंने कुछ बीट्स रखी है, तो मैं अपने दूसरे वाले जो पुराने वाले कान्हा जी, उनको अभी कभार राधा रानी भी का रूप देती हूँ, तब मैं ये बिट्स यूज़ करती हूँ। वैसे अभी तक तो मैंने बनाए नहीं है कान्हा जी, तो मैं सोच रही हूँ अपने दूसरे कान्हा जी को राधा रानी का रूप दूँ। वैसे भी जब भी मैं कान्हा जी को राधा रानी का रूप दूँगी, तब मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये तो उनकी माल है, लेकिन ये उनका ज्वेलरी बॉक्स नहीं है, ऐसी है जिसमें मैं थोड़ा सामान रख देती हूँ। ये बॉक्स मैंने होममेड बनाया है स्वीट बॉक्स का। और ये डाइस है, ये कार्डबोर्ड की डाइस है, ये भी मैंने आज ही बनाई थी लूडो के साथ। और ये कान्हा जी का टॉय है, डमरू, प्लेइंग डमरू है। और ये कार्डबोर्ड का बैट जो है मेरी सिस्टर ने बनाया था कान्हा जी के लिए। और ये कान्हा जी की बॉल, और ये कान्हा जी की डोर, और ये कान्हा जी की काइट। और यहाँ पे कुछ कान्हा जी के मुकुट रखे हैं मैंने, कुछ ही मुकुट है कान्हा जी की इसमें, बाकी तो मैंने दूसरे बॉक्स में रखे ज्वेलरी कलेक्शन वाले में। तो ये हैट्स हैं, जो फ्रेंड्स ये भी होममेड हैट्स हैं, ये मैंने बॉटल कैप से और कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया है। और ये मैंने तीन कैप्स बनाई। बस फ्रेंड्स ये ऐसे ही मेरे पास एक बॉक्स था, जो कि मैंने कान्हा जी को कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए रख दिया, क्योंकि इतना सारा सामान होता है कान्हा जी का तो बॉक्सेस कम पड़ जाते हैं। अब मेरे कान्हा जी का बॉक्सेस भी पूरा भर गया ड्रेसेस का, इसलिए मैंने इसमें रख दिया कुछ सामान। तो जैसे कि आप सबको पता है मेरे पास दो कान्हा जी, तो दो कान्हा जी का सामान भी आपको पता होगा कितना ज़्यादा होता है। तो अब मेरे कान्हा जी की टोकरी है जो इसमें मैं रखती हूँ पूरी भर गया है, ये ब्लैंकेट्स, टॉवल, ऐसी हैंकी, सब इनका भर गया। तो अभी मैंने और भी ड्रेसेस ऑर्डर कर लिया अमेज़ोन से, तो अभी और भर जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ सोच रही हूँ कि इसमें और टोकरी में अरेंज करूँ सामान। तो इनके ब्लूमर्स हैं, और ये नाइट सूट है, ये बड़े वाले कान्हा जी का नाइट सूट है। आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये मैं रोज़ पहनाती हूँ। ये इस टाइप का नाइट सूट है, ये खुल जाता है रिबिन। और ये नीचे पहनाने का ब्लूमर्स है, जो बेबीज पहनते हैं। और इसमें भी कुछ ड्रेसेस हैं, जो कि ये मेरे छोटे वाले कान्हा जी की है। और एक ये वाली ड्रेस है, ये मेरे बड़े वाले कान्हा जी की है। ये ड्रेसेस मैं हमेशा सैटरडे को पहनाती हूँ। और ये वाली ड्रेस, ये सिंपल ड्रेसेस हैं, बहुत ही प्रिंटेड है समझ के, ये मैं बहुत कम पहनाती हूँ। मुझे ड्रेसेस उन्हें पहनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इस टाइप्स की ड्रेसेस पहनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी टाइप्स की ड्रेसेस आपसे खरीदती हूँ। और ये जो ड्रेस है, ये इनकी फर्स्ट ड्रेस थी मेरी न्यू वाले कान्हा जी की, पुराने वाले की, ये ख़राब हो गई है इसलिए मैं उन्हें नहीं पहनाती हूँ। और ये भी एक ड्रेस है, और ये भी वेलवेट के कपड़े की एक ड्रेस है। और एक ये, ये येलो कलर की एक ड्रेस है। तो मैं अपने कान्हा जी को दिन के हिसाब से ड्रेसेस पहनाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा कलर मैच मैच रखा है मैंने। और ये जो ड्रेसेस है फ्रेंड्स, ये होममेड ड्रेस है, मैंने खुद घर पे बनाई है। ये स्टोन्स लगाए हैं मैंने, ये दिखने में भी सिंपल है, तो आप सब भी बना सकते हैं। नीचे बुकरम लगाई है और ऊपर ये सब। तो मैं जो भी क्राफ्ट्स बनाती हूँ बहुत सिंपल बनाती हूँ फ्रेंड्स।
तो मैं कान्हा जी की जो भी क्राफ्ट करती हूँ बहुत ही सिंपल करती हूँ, इसलिए आप सबको मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, ओनली मटेरियल्स शेयर करती हूँ। अगर आप सब कहे तो मैं शेयर भी कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये की ड्रेस है, ये सिंपल है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये वाली ड्रेस, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मैं ज़्यादातर ये पहनाती हूँ। और ये की बड़ी वाली ड्रेस है, आप सोच रहे हो कि ये तो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को आएगी, नहीं, लेकिन ये मेरे जो न्यू वाले बड़े कान्हा जी लाए उनको भी आ जाती है और छोटे को भी आ जाती है, मतलब पूरे सिंहासन पर फैल जाती है, सुंदर लगती है, मैं कभी कभार पहना देती हूँ। और ये ऐसी है स्टोन्स का पैकेट जो मैं कान्हा जी के कभी कभार मेकअप में या इयररिंग्स या रिंग बनाने में यूज़ कर देती हूँ। और ये फ्रेंड्स एक कोल्ड वाटर के लिए मैंने मटकी रखी है, क्योंकि फ्रिज का पानी कान्हा जी को नहीं देना चाहिए, तो बेबीज़ को ज़्यादातर फ्रिज का पानी देना ही नहीं चाहिए, तो मैं कान्हा जी को फ्रिज का पानी नहीं देती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो इसलिए शेयर कर दी, कुछ खास तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने शेयर की, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि आप वीडियो नहीं बनाते हो, तो मैंने आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था और वीडियो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो यही वीडियो कर देती हूँ शेयर। तो फ्रेंड्स अब मेरी दो दिनों बाद मेरा अमेज़ोन का ऑर्डर आएगा, थोड़ा लेट भी आ सकता है, आई थिंक वैसे दो दिन का ही फाइनल है, तो मैं दो दिनों बाद अमेज़ोन का ऑर्डर आएगा, उसमें जो भी चीज़ होगी मैं आपको सरप्राइज़ दूँगी, तो मैं आपको वो शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देना ताकि आप जो मेरा न्यू ऑर्डर आएगा वो आपको वीडियो दिखा दूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक यू फ्रेंड्स।